शहर कांग्रेस द्वारा आज पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की आढ़ावा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 3 सदस्यीय प्रभाग पर चर्चा हुई है। 3 सदस्यीय प्रभाग पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया इस बैठक में जानने की कोशिश की है। ऐसी जानकारी विधायक विकास ठाकरे द्वारा दी गई। कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कार्यकर्ताओं की आढ़ावा बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के दौरान 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया सुनी गई है। कार्यकर्ताओं द्वारा इस बैठक में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति पर अपनी प्रतिक्रिया खुलकर व्यक्त भी की गई। कार्यकर्ताओं के मतों को पक्ष के वरिष्ठों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा भी ठाकरे द्वारा पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा गया। बाइट 1:00 से 0:41 तक लगाना। सभा आहे आणि या सभेचं महत्त्व म्हणजे आता जी झालेली प्रभाग पद्धती आहे आणि मागच्या हिवाळी अधिवेशनात याच विषयावर नागपूरच्या विधानसभेत चर्चा होऊन तिथे एकचा वाद झाला होता। यावर आमच्या शहर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीतल्या पदाधिकाऱ्यांची मागणी होती की आपण त्यावेळेस हा निर्णय घेतला राज्य शासनाने, आता हा निर्णय आहे म्हणून या विषयावर जे शहरात काँग्रेसची ताकद आहे, या काँग्रेसचा पाठीचा कणा असलेले जे काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत त्यांचं मत जाणून घ्यायचं आहे की त्यांची भूमिका काय आहे। साथ ही नाना पटोले द्वारा कहा गया था कि 2 सदस्यों का प्रभाग होना चाहिए, कैबिनेट पर इस मुद्दे पर पुनर्विचार होना जरूरी है। इस मुद्दे पर बोलते हुए विकास ठाकरे बोले, नागपुर महानगरपालिका के ये चुनाव है जिसके लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं के मतों को जानना जरूरी है। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष पटोले के मतों से मैं सहमत हूँ। त्यांच्या मताशी मी सहमत आहे ना, ते माझे अध्यक्ष आहेत आणि नागपूरच्या कार्यकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे, जसं त्यांनी प्रदेशच्या पदाधिकाऱ्यांचं मत जाणून घेतलं। नागपूर महानगरपालिकेत निवडणूक आहे, नागपूर काँग्रेसचं संघटन आहे, या पदाधिकाऱ्यांचं मत जाणून घेणं माझं काम आहे, हे मत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं माझं काम आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी आज या कार्यकारिणीची बैठक आहे। साथ ही विकास ठाकरे बोले की प्रभाग 4 का हो या 5 का, अब कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मुद्दा यह है कि सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं उनके और भी ध्यान देना जरूरी है। लोकांनी चर्चा केली होती, काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या सेनेच्या सर्वात लोकांनी या विषयावर चर्चा केली होती, परंतु आता कॅबिनेट मध्ये जो निर्णय झाला, आम्ही कुठलीही निवडणूक 5 प्रभागाची केली तरी लढण्यास तयार आहोत, परंतु जनतेच्या हिताचं जो सामान्य कार्यकर्ता पक्षासाठी धावतो तो त्याच्या हिताचं काम कसं होईल याकडे मला लक्ष आहे। यही नहीं, पत्रकारों से ठाकरे बोले, पिछले 15 सालों से शहर की जनता मनपा के कार्यकाल के चलते परेशान हो चुकी है। आने वाले चुनाव से पहले मनपा द्वारा किस तरह जनता की लूट की गई है, इस बारे में आने वाले चुनाव से पहले जनता को अवगत कराया जाएगा। काँग्रेसची पूर्ण तयारी झालेली आहे। मागच्या 15 वर्षात महानगरपालिकेने जो कारभार चालवला त्याला जनता कंटाळलेली आहे। जे प्रकल्प हाती घेतलेले आहे 15 वर्षातले, त्यातले किती प्रकल्प पूर्ण केले, महानगरपालिकेने जनतेकडनं किती जास्तीचा पैसा उकळला, हे सगळं आम्ही जनतेला सांगतो। मनपा चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति पर लड़ा जाएगा, ये फैसला आने पर देखा जाए तो सभी पक्षों द्वारा नाराजगी जताई जा रही थी, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी तो हर पार्टी बड़ी जोर शोर से कर रही है। अब देखना होगा इस चुनाव में बाजी कौन जीतता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।